जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे कोचिंग 10th क्लास का बायोलॉजी लेसन 4 और उस लेसन का नाम था उत्सर्जन। उसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आज जो है उत्सर्जन का मेरे प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 होगा, इसलिए इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखें और वीडियो को शेयर करें। और अगर ये वीडियो नए देख रहे हैं इस चैनल पर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम को देखते हुए बिना बकवास को सीधे टॉपिक पे। तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। पढ़े थे कि जे हमारे शरीर में किडनी जो है दो होती है, यानी हमारे शरीर में किडनी है जो दो होते हैं, उसका आकार जो है कैसा होता है बच्चों, सेम के आकार के, उसका वजन कितना होता है 140 ग्राम। ब्लड को छानता कौन है तो किडनी छानता है, लेकिन ब्लड को शुद्ध कौन करता है तो हृदय करता है, फेफड़ा करता है। इन्हीं वगैरह वाली चीज देखे थे, तो आज देखेंगे उससे आगे किडनी के बारे में कि किडनी जो हम दूसरा देखे थे किडनी क्या करता है कि पेशाब को बनाता है, पेशाब का निर्माण करता है, पेशाब जो है बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। यहां तक बातें समझ चुके थे। तो देखिए पेशाब जो है सबसे मेन टॉपिक है और उससे सवाल आता है, तो चलिए उसके बारे में कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक मारना क्या चाहिए बच्चों, मूत्र, जैसे बोलते हैं पेशाब। ऐसे यहां से पहले कुछ पढ़े थे पिछले वीडियो में हम कि जे ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेफ्रॉन। आपको सवाल आपका ऑब्जेक्टिव है कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं, आपको बहुत बारीकी से देना है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। चाहे पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में रहेगा नेफ्रॉन। हाँ नेफ्रॉन है मारना, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए तो हमारे देखे थे कि हमारे किडनी में कम लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। पूछेगा कि ब्रिक में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, आराम से टिक करेंगे हम 10 लाख, ठीक है। तो चलिए देखिए नेफ्रॉन की कुछ आकार थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कराती बतलाते हैं इसके, लेकिन शॉर्ट में इसको हम बताते हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम क्या करेंगे नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन, नेफ्रॉन बॉडी में करता कैसे काम है, कैसे ब्लड को छानता है और यूरिया को कैसे मतलब जल के माध्यम से जो बाहर निकालने का काम करता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो देखिए थोड़ा समझिए ये जो गोल आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसके यहां पर जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये क्या करता है कि ब्लड को छानता है, ठीक है, लेकिन ये छानने के दरमियान ये करता है क्या है, कभी कभी बढ़िया पदार्थ को भी जो उपयोगी पदार्थ है उसको भी ये क्या करता है कि छान देता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है कि ब्लड को छानता है, लेकिन कभी कभी इसको पता नहीं रहता है कि बढ़िया कौन है खराब कौन है, कभी कभी बढ़िकों को छान देता है, कौन, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। तो ये बोमेन संपूर्ण देखता है कि सलाई गधावा है जो छान दिया बढ़िकों के, इसको पता था नहीं, उसको कहता है कि उसके ऊपर घुस जाता है ग्लोमेरुलस पर, कौन, बोमेन संपूर्ण, आपको बुझा नहीं रहा था ये कुछ जो बढ़िया पदार्थ को नीचे जब भेज दिया, तो फिर बोमेन संपूर्ण क्या करता है कि बढ़िकन चीजों को क्या करता है, इसे रख लेता है आओ उधर तू, और खराबकन को भेज देता है उन्हें पेशाब के रास्ता में, यानी किडनी कहती मूत्राशय, उन्हें मूत्र मार्ग द्वारा मूत्राशय में, और जो बढ़िकन उसको रख लेता, यानी कि तो सवाल आ गया कि पुनः अवशोषण कौन करता है, टेक करना है बोमेन सपोर्ट, ठीक है, ब्लड को छानता है ग्लोमेरुलस, लेकिन ये करता क्या गलती कि कभी कभी अचकानो चिजवा के नहीं छान पाता, मैंने अंदर भेज देता है पेशाब के लिए, मैंने कि पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाएगा, परंतु बोमेन सपोर्ट देखता है कि गधा देखा नहीं ये अचकानो चिजवा का छान लिया, इसलिए पुनः अवशोषण फिर से बोमेन सपोर्ट करता है, पुनः अवशोषण करने के बाद इसको फिर से ब्लड में भेजने का काम करता है। बट इसे शॉर्ट किए, इसके हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल जाएंगे, क्योंकि यहां से मैट्रिक में आता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, मैंने चित्र भी बनाना है बच्चों और इसका वर्णन भी करना है, ठीक है। तो यहां से देखिए कि छानने के बाद क्या होता है कि जो ब्लड के बाद है, जो जल है, जो यूरिया, जो पेशाब के रास्ते क्या होता है बच्चों, बाहर हो जाती है। तो यहां से मेन टॉपिक आपको है पेशाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिन और हिंदी बोलते हैं मूत्र, ठीक है। पेशाब अपन लोगों जैसे बोलते हैं, लेकिन शुद्ध अगर साइंस में लिखने चाहते हो तो आपको मूत्र लिखना है, ओके। तो चलिए मूत्र के बारे में समझते हैं।
तो पहले से बोला गया कि मूत्र जो है, मूत्र का निर्माण करता कौन है? आंसर टिक करना किडनी, यानी ब्रिक ना करता है, मूत्र का निर्माण करता है ब्रिक, ठीक है। इसका जो है, इसमें जल जो है बच्चों 96% पाया जाता है। आपसे सवाल करेगा कि पेशाब में जल कितना प्रतिशत पाई जाती है, आंसर टिक करेंगे 96%। कहीं कहीं आपको 95% भी दिखाई देगी, बट कोई डिफरेंस नहीं, 95 या 96 जो भी रहे आप आंसर टिक करें 96, ठीक है। उसमें यूरिया रहता है 2%, यानी पूछेगा कि मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत पाया जाता है, आंसर टिक करना 2%। पेशाब में जो है जल कितना 96, यूरिया कितना 2%, 2022 में छपा था सवाल ऑब्जेक्टिव कि पेशाब में जो है यूरिया कितना परसेंट पाया जाता है बच्चों, आंसर टिक करेंगे 2%, ठीक है। पेशाब का जो पीएच मान होता है जो 4.8 होता है, पेशाब का पीएच मान कितना होता है 4.8। ऐसा जैसे ही इसका पीएच मान 4.8 है, तब केमिस्ट्री में पढ़े थे कि अम्लीय हो के क्षारीय, आप जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा वो होता है क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से होता है कम उसको बोलते हैं अम्लीय। ऐसा रहता है पेशाब है, अगर पीएच मान 4.8 है तो अम्लीय हो के क्षारीय, तो अम्लीय होगा ना। इसके बाद देखे यहां देखे कि इसका स्वभाव कैसा है बच्चों, आराम से टिक करेंगे हम अम्लीय। अब देखे होंगे कि पेशाब इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है पीला। तो आपसे सवाल करेगा कि पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, आंसर टिक करें हम यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण बच्चों, यूरोक्रोम के कारण। अब देखिए पेशाब को देखते होंगे, पेशाब को देखते नहीं, पेशाब जब का होता है कि जब कोई व्यक्ति पेशाब करता है जहां का तहां दीवार मिला जाने तने पेशाब कर दे रहा, ठीक है, तो बहुत मतलब साल दो साल लगातार वहां कर रहे हैं, तो देखिएगा उसको दीवार को जो गिरा सकता है, उसमें इतना पावर है पेशाब में। तो होता है क्या है कि सबसे पहले आप देखे थे पिछले वीडियो में कि जो लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यानी सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटीन जब टूटता है, सवाल पूछे कि प्रोटीन टूटकर क्या बनाता है, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन के टूटने से अमोनिया बनाता है, जो अमोनिया हमारे बॉडी का सबसे जहरीला पदार्थ है। तो जैसे ही देखता है कि हमारे बॉडी में अमोनिया बना, तुरंत लीवर बुलाता है, सुने सुनो तो सबसे जहरीला पदार्थ बन गया है, तो तुरंत लीवर उसको बुलाता है, किसको, अमोनिया को, और अमोनिया को तुरंत यूरिया में बदल देता है। तब पूछेगा सवाल कि अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, आंसर टिक करना है लीवर। अमोनिया सबसे जहरीला पदार्थ है, यूरिया से भी ज्यादा है सर, हां यूरिया से भी ज्यादा जहरीला पदार्थ है अमोनिया। देखिए दूसरा, लेकिन जैसे ही बॉडी में यूरिया बना, और अगर यूरिया बनने के बाद क्या होता है कि जो चल जाता है हमारे मूत्राशय में जमा हो जाती है, वक्रवाद जो क्या करता है मूत्र के माध्यम से उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन अगर ज्यादा देर तक आप यूरिया को रखते हैं तो फिर से अमोनिया बन जाएगा। इसलिए उसको जब भी पेशाब अगर आपको महसूस हो तो उसको जितना जल्दी से जल्दी बॉडी से क्या करना, उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपसे सवाल करेगा कि पेशाब में गंध क्यों होता है, अमोनिया का। एक बात और समझिए, जैसे ही बॉडी लीवर का किया था कि अमोनिया को यूरिया में बदलना, तो यूरिया बदलने के बाद क्या होता है कि पेशाब के रास्ते जो है यूरिया बाहर हो गया, लेकिन जैसे ही 2-3 घंटा होगा फिर यूरिया जो है अमोनिया बदल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे चाहे महसूस किए होंगे कि जब कोई व्यक्ति पेशाब करता हो, पेशाब अभी ताजा है, ताजा समझ में आता है, ताजा मैंने अभी तुरंत किया है, 1-2 घंटा हुआ है, तो ताजा जो पेशाब है जो आपको गंध नहीं देगी, क्यों, क्योंकि ताजा जो पेशाब है बच्चों उसमें है यूरिया, और फिर यूरिया का करे कि वायुमंडल से विक्रिया करके, वायु में उपस्थित गैसों से विक्रिया करके वो फिर से विषैला पदार्थ बनाता है अमोनिया। यानी 2-3 घंटा के बाद फिर से यूरिया बदल जाता है अमोनिया में, जिसके कारण बच्चों फिर से आपको गंध आने लगती है। समझ में आ रहा ना, तो यहां से समझे कि पहले से विरुद्ध में था अमोनिया, अमोनिया का कि लीवर उसको यूरिया में बदला और फिर उसको पेशाब के रास्ते बाहर किए और फिर यूरिया अमोनिया बदल गया, जिसके कारण पेशाब में गंध होती है। तो आपसे सवाल करेगा कि पेशाब में गंध क्यों होता है, आंसर टिक करना है अमोनिया कारण, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। पिछले देखे थे, अभी देखे कि पेशाब पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण। पिछले वीडियो में पढ़े थे हम, पिछले मतलब एक बात जानते हैं कि मल, जो मल होता है उसका रंग पीला किसके कारण होता है बच्चों, बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन के कारण। पूछे कि मल का रंग पीला क्यों होता है, मल
उसका रंग पीला क्यों होता है? आंसर टिक करना, बिल्लू बिल्लू रूबिन के कारण, बिल्लू रूबिन के कारण, बिल्लू रूबिन के कारण। यहां तक बात समझ में आया? देखिए पेशाब मल यानी मूत्र के बारे में हम क्या क्या समझे, देखिए यहां से लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। पहला जो है यूरिन मतलब मूत्र जो है निर्माण कौन करता है? ब्रिक यानी किडनी। पूछे कि जय सर जब मूत्र का निर्माण कौन करता है? आंसर टिक करेंगे ब्रिक। हाँ मूत्र में जो है पानी कितना परसेंट पाया जाता है, चाहे जल कितना परसेंट पाया जाता है? आंसर टिक करेंगे 96%। कहीं कहीं आपको मिलेगा 95, आराम से देख के मारिए। ऐ सर पेशाब में यूरिया के परसेंट पाया जाता है? आंसर टिक करना बच्चों 2%। कितना परसेंट? 2%। ऐ सर आम्ल का पीएच मान कितना होता है? 4.8। ऐ सर इसका स्वभाव कैसा? तो स्वभाव माने आम्लीय है कि क्षारीय है? तो ये अम्लीय है क्योंकि पीएच मान जैसा ही 4-7 से कम है तो अम्लीय होगा। ऐसे ही पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। इसमें गंध क्यों होता है? अमोनिया के कारण, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ऐसे अगर पूछे कि माल पीला कहा होता है तो बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण बच्चों? बिलिरुबिन के कारण। यहां तक समझ चुके? अब समझते हैं हम किडनी में कुछ बीमारी पाई जाती है और उसके बारे में हम समझते हैं कि किडनी में क्या क्या बीमारी हो सकती है, किडनी अगर खराब होगा तो क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाती है बच्चों, तो हमारे शरीर में ईश्वर दो किडनी देगी तो बाबू जितना दारू पी सकता है। समझ में आ रहा है ना? अरे बाबू दारू पीने के लिए नहीं दिए ईश्वर, वो दिए कि किसी कारण बस अगर किडनी आपको खराब हो जाता है वो, तो एक किडनी से काम चल सकता है। ठीक है, तो अगर किसी को एक किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा? व्यक्ति मर जाएगा? नहीं, एक किडनी से उसको काम चल सकता है ऐसा। लेकिन दोनों खराब हो जाएगा, तब दोनों खराब हो जाएगा बच्चों, तब दूसरा ट्रांसप्लांट यानी दूसरा किडनी लगावे पड़ेगा, तब बच पाइएगा। किडनी लगता है सर? हाँ किडनी लगता है। समझ में आ रहा ना? चलिए किडनी के बारे में देखते हैं, किडनी में कौन कौन सी बीमारियां होती है। देखिए यहां देखिए किडनी की बीमारी यानी किडनी में कौन कौन सी बीमारियां होती है। पहला देखिए, सबसे पहले होता है किडनी में पथरी, जिसको बोलते हैं अस्टोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पथरी के बच्चों? अस्टोन। तो उसमें बीमारी, पथरी एक बीमारी होती है, जो पथरी जो है आपको ब्रिक यानी कि किडनी में हो जाती है। तो होता क्या है, तो सबसे पहले सवाल करें कि जो पथरी हो गया, तो पथरी को ऐसे मेडिसिन आता है जो मेडिसिन के माध्यम से पथरी को गला सकते हैं, पेशाब के रास्ते जो किडनी यानी पथरी जो है बाहर चली जाएगी। तो आपको से सवाल अब है कि जो पथरी पाई जाती है, पथरी जो है किससे बना होता है? आंसर करेंगे हम कैल्शियम ऑक्सेलेट। बोले किडनी ब्रिक में जो पथरी पाई जाती है, पथरी जो है किससे बना होता है? आंसर टिक करेंगे हम कैल्शियम ऑक्सेलेट का, कैल्शियम ऑक्सेलेट का। यहां तक बात समझ में आया? एक बीमारी होता है यूरेनिया, एक किडनी बीमारी होता है यूरेनिया। यूरेनिया क्या होता है सर? यूरेनिया एक बीमारी है जिसमें होता है क्या है कि उसको में अमोनिया बढ़ जाता है। क्या होता है सर? यूरेनिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि पेशाब में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति को यूरेनिया नामक बीमारी हो है, वो जब भी पेशाब करेगा चाहे करेगी तो उसमें गंध ज्यादा होगा। क्यों सर गंध ज्यादा होगा? क्योंकि अभी जाने कि पेशाब में गंध होती है अमोनिया के कारण। अभी देख रहे हैं कि जैसे ही इसको यूरेनिया बीमारी हो रहा है, यूरेनिया को यूरेनिया ही बोलते हैं इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे? अमोनिया बढ़ जा रहा। तो अमोनिया जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसके पेशाब में गंध ज्यादा होगा। यानी जिस व्यक्ति को यूरेनिया नामक बीमारी हो जाएगा, उसके पेशाब में बदबू ज्यादा आएगी, गंध ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है अमोनिया बढ़ जाती है, NH3 बढ़ जाती है। तो सवाल करेगा कि जे यूरेनिया नामक बीमारी में किस पेशाब में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? आंसर टिक करेंगे अमोनिया की। सूत्र सर NH3। यहां तक समझ गए? आइए गठिया, गठिया भी एक बीमारी होती है। इसे देख रहे हैं ज्वाइंट, ये हड्डी जो है, जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के पास पाया जाता है एक द्रव, उस द्रव को बोलते हैं साइनोवियल। क्या बोलते हैं बच्चों? इन जोड़ों के पास पाया जाता है साइनोवियल द्रव। एक तरह से कह सकते हैं जो द्रव है वो ग्रीस का काम करता है। यानी कि जब कोई मशीन चाहे कोई मशीन होते है, उसमें जहां तक जो उसकी मोर्चा होती है वहां पर हम क्या करते हैं? ग्रीस देते हैं ताकि जो है आराम से मुड़े। ठीक है ना? उसी प्रकार ईश्वर जो है आपको जहां जहां ज्वाइंट है हड्डियों में बच्चों, वहां पर एक द्रव देके भेजते हैं और उस द्रव का नाम है साइनोवियल। पूछेगा कि हमारे हड्डी में ज्वाइंट होती है, उस हड्डी के पास क्या भर रहा था? कौन सा द्रव? साइनोवियल द्रव। वो करता क्या है सर? उसको मुड़ने में आसानी होता है, चाइन चू नहीं करेगा। और अगर एक कम गया
तब मुड़िएगा चाहे बैठिएगा तब कड़क कड़क करेगा हड्डी, जब बैठिएगा तब लाठी लेके बैठे पड़े बाप रे बाप करके बैठे पड़ेगा, कड़कड़ाएगा हड्डियां कब, जब साइनोवियल द्रव कम जाएगा तब। देखिए बीमार जो गठिया बीमारिया है इसमें क्या होता है बच्चा, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जो गठिया बीमारी है इसमें यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। और यूरिक एसिड बढ़ जाती है और साइनोवियल द्रव जो है कम जाता है। ध्यान दीजिए, ये यूरिकवा एसिड बढ़ गया और साइनोवियल कम रहा है, तो जब साइनोवियल द्रव कमेगा तब पक्का है कि जहां जहां ज्वाइंट होगा, जहां जहां बैठेंगे ऐसे, जो ठेहुना है जहां पड़ी, जहां जहां ज्वाइंट है हड्डी के, ऑटोमेटिक ही कड़ा कड़ा करेगा और बैठे बहुत प्रॉब्लम हो। इसलिए देखिएगा बेचारा बढ़ोतरी में, जब बुढ़ा होइएगा ना आप तब बैठिएगा तो लाठी लेके बैठिएगा, अरे बाप रे बाप बहुत प्रॉब्लम होगी आपको बैठने में, बहुत कड़क कड़क करेगा। इसका मतलब कि साइनोवियल द्रव जो है बच्चों कुछ कमा है, जैसे मैं कभी कभी हम लोग भी कड़कड़ाता है, इसका मतलब साइनोवियल कुछ कम मात्रा में वहां पड़े। यहां तक समझ में आया? गठिया में क्या होता है, गठिया में होती क्या है कि जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है और साइनोवियल द्रव जो है बच्चों कम जाती है। साइनोवियल द्रव के क्या काम है, ज्वाइंट को मुड़ने और सोज करने में आसानी होती है, एक प्रकार की ग्रीस की जैसा काम करती है। ठीक है, अब आइए अगर कोई व्यक्ति का किडनी दोनों खराब हो जाए, मान लीजिए कि आपको दोनों किडनी खराब हो जाए, आपका नहीं खराब है दुश्मन में खराब हो कि आपको अलग खराब हो, ये मान लीजिए कि किडनी दोनों खराब हो जाए, ठीक है, तो किडनी खराब हो जाएगा तो दुनिया छोड़ देना है। जब किडनी खराब होता तो उसके जगह पर हम दूसरा किडनी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नियम है कि ट्रांसपेरेंट करा सकते हैं, मैंने दूसरा किडनी हम लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको 48 घंटा के अंदर लगा देना है। मतलब सर अगर किसी मतलब मान ली कि हमको किडनी लगाना है और एक व्यक्ति दूसरा कोई है उसको में से किडनी हमको लगाना है, तो एक ठमा तुरंत मेरा चिरा गया, एकदम चिरा गया मतलब मेरा ऑपरेशन होगा और उसका ऑपरेशन बगल में होगा, तुरंत उसको में से किडनी निकाल के मेरा में किडनी लगा दिया जाएगा, 48 घंटा के अंदर कि उस दूसरा व्यक्ति से किडनी निकाल को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। अगर 48 घंटा से आप ज्यादा कर देते हैं तो किडनी अनसक्सेस होगा, खराब हो जाएगी। मान ली कोई व्यक्ति मर गया है, तो मर गया उसको किडनी हमको लगाना दूसरा व्यक्ति में, तो मरा हुआ व्यक्ति को 48 घंटा के अंदर, इन्हें कि व्यक्ति मरा है 72 घंटा हो गया तो किडनी खराब हो गया, 48 घंटा के अंदर उस मरा हुआ व्यक्ति से किडनी को निकाल के दूसरे व्यक्ति में आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? इन यहां से हम समझे बच्चों कि अगर किसी को किडनी खराब हो गया तो किडनी लगाने के आपको टाइम कितना दिया गया है, 48 घंटा के अंदर ऑपरेशन होके किडनी एकदम फिनिश एकदम सियाह हो जाना चाहिए, सियाना मतलब तो टाका हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यहां से देखें कि अगर किडनी खराब हो जाएगा तो एक किडनी से आप काम चला सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक हम देख चुके और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वीडियो के यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जे पौधे जो है कौन कौन पदार्थ उत्सर्जित करता है और कुछ जो टॉपिक है उसको लिखा जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे। आपसे एक सवाल करते हो, सवाल का आंसर कॉमेंट में देना बच्चों, ताकि हम समझ पाए कि वीडियो को बहुत बारीकी से देख पा रहे हैं। तो सवाल है कि पेशाब में यूरिया कितना प्रतिशत पाई जाती है, सवाल फिर से सुनिए, पेशाब में यूरिया कितना प्रतिशत पाई जाती है। और वीडियो को बच्चों शेयर करते रहें, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा नहीं लगता तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और जरूर कॉमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।